व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है सोमनाथ यादव जी का। इनका सवाल नायका पर है। नायका, इन्होंने 500 शेयर्स 152 पर लिया हुआ है। रुचित, आप सजेस्ट करिए। नायका में तो खैर हर रिटेल निवेशकों को नुकसान ही हो रहा है, और इन्होंने भी निचले स्तर पे एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी स्टॉक काफी ज्यादा टूट गया नायका का, और एंकर निवेशकों के एग्जिट के बाद भी टूटा। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले क्वार्टरली जो अपडेट आए उसमें भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी नेगेटिव साइड पे थी। तब से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। क्या करें नायका में अभी, क्या और डाउन साइड आपको दिख रहा है? यहाँ से निकलने की राय देंगे आप? स्ट्रक्चर में तो अभी भी कोई बदलाव नहीं है। जैसे आपने कहा कि काफी सारे इवेंट्स के बावजूद ये स्टॉक कंटिन्यूस करेक्टिव फेज में रहा है, और जो भी पुलबैक मूव्स आया हायर लेवल से हमने फिर से सेलिंग प्रेशर ही देखा है। तो यहाँ पे नो, जब तक कोई हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर या कोई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में खरीदारी हम स्टॉक में नहीं देखते, तब तक आई थिंक नो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट अप मूव के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनको सेल ऑन राइज की रणनीति दूंगा। स्टॉक अपने 115 से 120 की रेंज में सपोर्ट है फिलहाल, तो एक पुलबैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बैक मूव्स में कभी भी इनको ये 135-140 की रेंज के आसपास मिलता है, तो वहां पे ये स्टॉक में से एक बार एग्जिट लेने को देख सकते हैं।